शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने गेडा के सेक्टर 26 स्थित एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया। इसके बाद उन्हें केयान डिस्टिलरी का भी उन्होंने शिलान्यास किया है। 1200 करोड़ की लागत से 300 एकड़ में यह प्लांट बनेगा। प्लांट में 7.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इस प्लांट से लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि समय से परियोजनाएं पूरी हो रही हैं। इस प्लांट में ऊर्जा उत्पादन भी होगा और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल कर, उसी को इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहां के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रो क्षेत्र में प्रदेश देश की सरकार को भी विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों की जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे ये एक कल्पना थी। और भाइयों बहनों आप तो सब जानते हैं ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए यही सोच, यही है फर्क सोच में आज से।